नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं शिव कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा वाराणसी जंक्शन से अयोध्या जंक्शन तक जाने वाली सभी ट्रेनें। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं वाराणसी जंक्शन से अयोध्या के लिए ट्रेन टिकट चार्ज कितना है। देखिए अगर हम जनरल की बात करें, जनरल में आपको 75 रुपये पड़ जाएगा। वहीं स्लीपर की बात करें, स्लीपर में 145 रुपये। और वहीं थर्ड एसी की बात करें, थर्ड एसी में 505 रुपये सभी ट्रेनों का है। और सेकेंड एसी में है, सेकेंड एसी की बात करें 710 रुपये है। वहीं फर्स्ट एसी के जान लेते हैं, तो फर्स्ट एसी में 1175 रुपये आप नीचे सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रेन सूची की, कौन कौन सी ट्रेन कब कब जाएगी। देखिए दोस्तों वाराणसी से अयोध्या के लिए सबसे पहले ट्रेन है जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो कि हमें 2:50 में रात में मिलती है और 6:21 पर ले जाकर हमें सुबह के टाइम में छोड़ देती है। यानी 4 से 5 घंटों का सफ़र है वाराणसी से अयोध्या के बीच में। ट्रेन नंबर की बात करें, ट्रेन नंबर है 13151। ये ट्रेन दोस्तों रोज़ चलती है। वहीं अगला ट्रेन हमारा, अगला ट्रेन की बात करें, गंगा सतलुज एक्सप्रेस है, जो कि ये भी सुबह ही आपको मिल जाएगी वाराणसी 5:30 पर, और 9:43 पर ले जाकर हमें अयोध्या जंक्शन छोड़ देती है। ये भी ट्रेन रोज़ चलती है। 13307 यहाँ पर इसका ट्रेन नंबर है। वहीं अगला ट्रेन हमारा दून एक्सप्रेस, ये भी ट्रेन रोज़ चलती है दून एक्सप्रेस। 13009 यहाँ पे इसका, 13009 यहाँ पे ट्रेन नंबर है, और 10:30 पे हमें सुबह के टाइम मिलती है। दोपहर के टाइम ले जाकर हमें 1:53 पे छोड़ देती है अयोध्या जंक्शन। अगला ट्रेन हमारा फरक्का एक्सप्रेस जो कि हफ्ते में 4 दिन चलती है, सोमवार बुधवार गुरुवार और शनिवार के दिन। 13483 यहाँ पे इसका ट्रेन नंबर है। 11:15 पे हमें सुबह के टाइम मिलती है, 3:06 पर ले जाकर हमें छोड़ देती है अयोध्या जंक्शन। वहीं अगला ट्रेन हमारा आनंद विहार टर्मिनल सद्भावना एक्सप्रेस। दोस्तों ये ट्रेन रोज़ चलती है। 14017 है पे इसका ट्रेन नंबर है। 11:45 पे हमें वाराणसी जंक्शन मिलती है, 3:06 पर ले जाकर हमें छोड़ देती है अयोध्या जंक्शन। ये ट्रेन सिर्फ शुक्रवार के दिन चलती है। वहीं अगला ट्रेन हमारा बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि ये ट्रेन रोज़ चलती है। 14213 यहाँ पे इसका ट्रेन नंबर है। 2 बजे हमें दोपहर के टाइम में राइट टाइम मिलती है वाराणसी जंक्शन। उसके बाद 5:50 के लिए जाकर हमें अयोध्या जंक्शन छोड़ देती है। 3 से 4 घंटों का सफ़र है, 4 से 5 घंटों ऐसे किसी किसी ट्रेन का लेट है। उसके बाद यहाँ पर है अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 4 दिन चलती है, रविवार मंगलवार गुरुवार शुक्रवार के दिन आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसका ट्रेन नंबर है 19168। 2:30 पे ये भी राइट टाइम मिलेगी और 6:11 पे शाम के टाइम ले जाकर हमें छोड़ देती है। देखिए वहीं हमारा अगला ट्रेन है कोटा एक्सप्रेस, जो कि ये भी ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलती है, रविवार मंगलवार और शनिवार के दिन। 13237 यहाँ पे इसका ट्रेन नंबर है। 4:35 पे हमें लगभग शाम के टाइम मिलती है, 7:42 फिर ले जाकर रात में छोड़ देती है अयोध्या जंक्शन। वहीं अगला ट्रेन हमारा मरुधर एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 3 दिन चलती है, सोमवार और बुधवार और शनिवार के दिन। ट्रेन नंबर 14853 और 5:15 पे हमें शाम के टाइम मिलती है, 8:26 पे रात में ले जाकर हमें छोड़ देती है मरुधर एक्सप्रेस। अगला ट्रेन हमारा वाराणसी बरेली एक्सप्रेस, जो कि ये ट्रेन रोज़ चलती है। 14235 यहाँ पे इसका ट्रेन नंबर है। 11:10 पे हमें रात में मिलती है, 2:36 पे ले जाकर भोर के टाइम छोड़ देती है अयोध्या जंक्शन। वहीं लास्ट ट्रेन हमारा जो कि छपरा लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, आप यहाँ पे देख सकते हैं छपरा लखनऊ एक्सप्रेस। 15053 यहाँ पे इसका ट्रेन नंबर है। 11:50 पे हमें रात में मिलती है, 3:11 में ले जाकर भोर के टाइम छोड़ देती है। दोस्तों ये भी ट्रेन रोज़ चलती है। जो समझ में ना आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर टिकट भी चाहिए तो आप टिकट के लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।